Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an aesthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. कुछ ही समय में होली का त्यौहार आ रहा है, बहुत पास आ गया है और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये टेंशन सताता है जो स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं कि होली आ रही है और अब खेलनी भी पड़ेगी और उसके साथ साथ जितनी मेहनत की है साल भर त्वचा को ठीक करने के लिए, बालों को ठीक करने के लिए, बॉडी स्किन को ठीक करने के लिए, वो सारी शून्य हो जाएगी. जितनी सुंदरता आ गई है वो शून्य हो जाएगी. तो डरिए मत, कुछ प्रिकॉशंस फॉलो कर लीजिए तो होली भी खेल पाएंगे और रंगों का डैमेजिंग इफेक्ट भी कम होगा. ज़्यादातर कोशिश करिए कि अबीर से, गुलाल से ही आप होली खेलें, फूलों से होली खेलें, वो बहुत अच्छा होगा. गंदे कलर्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. कीचड़ वाली होली बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन ये सब कहने से फ़ायदा नहीं है. लोग फॉलो नहीं करते हैं और उस समय जोश में कुछ भी कर बैठते हैं. आपका काम है, आप प्रिकॉशंस लीजिए. प्रिकॉशंस में क्या है, आपको क्या करना चाहिए ये बता देते हैं. सबसे पहले तो सनस्क्रीन और फाउंडेशन ये अच्छी मात्रा में मिला लीजिए, 1:1 के रेशियो में मिला लीजिए और पूरी बॉडी पर लगा लीजिए. आपको फाउंडेशंस में सबसे अच्छे फाउंडेशंस मैक और बॉबी ब्राउन, हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि ये दोनों फाउंडेशंस बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और बहुत आपको डैमेजिंग इफेक्ट्स भी नहीं देते हैं और बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं, वाटरप्रूफ भी हैं. तो इसमें जुवेना की सनस्क्रीन आप मिक्स कर सकते हैं और पूरे बॉडी पर आप लगा लीजिए. इस सनस्क्रीन में गाजर के बीज, कच्ची हल्दी, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें हैं. तो फ़ायदा भी करेंगे साथ साथ नुकसान होने नहीं देंगे कलर का. और जितनी भी सेंसिटिव स्किन है उनको कलर के जो भी डैमेजिंग इफेक्ट्स होने होंगे वो भी इससे नहीं होंगे. तो आप ये पूरी बॉडी पर आप लगा लें और कपड़े आप थोड़े से कॉटन के ना पहनकर सिंथेटिक कपड़े पहन लीजिए. बालों में तेल लगा लीजिए और अब आपने होली खेल ली है. इसके बाद पहले सूखे कपड़े से आप जो ऊपरी कलर है उसे हटा लीजिए खेलने के बाद. और हमारा होली का स्पेशल उपटन है जो पिछले 20 साल से हम हमारे क्लाइंट्स को गिफ्ट देते आए हैं. हमारे जुवेना हर्बल्स में हमारे सारे क्लाइंट्स को 10 दिन, होली के 10 दिन पहले से ही होली किट हम गिफ्ट करते हैं सारे जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको. इस बार अगर आपने ये मौका छोड़ दिया हो, आप चूक गए हो, तो अगले साल याद रखिए कि आपको ये मौका चूकना नहीं है. आप भी अपनी होली किट यहाँ से ले सकते हैं. क्लाइंट स्पेशली उसके लिए आते भी हैं यहाँ पर 10 दिन पहले से कि होली गिफ्ट हमारी आप रख लीजिए, हमारी कहाँ है, एक नहीं दो दीजिए. हमारे घर में 2 सदस्य हैं जो होली खेलते हैं तो वो उपटन के लिए खासकर बहुत लालायित रहते हैं और साथ साथ उसमें उन्हें मैरीगोल्ड क्लेंजर, गोल्ड सैफ्रन मॉइस्चराइजर, ये भी प्रोडक्ट्स उस किट में मिल जाते हैं. तो आपके पास ये प्रोडक्ट्स नहीं हैं तो आप आकर ले सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल करना है आपको होली खेलने के बाद. तो आपने ये लगा लिया, लिप्स पर मैरीगोल्ड क्लेंजर लगा लिया होली खेलने से पहले, फाउंडेशन सनस्क्रीन लगा ली, बालों में तेल लगा लिया, ठीक है. अब होली खेलने के बाद सूखे कपड़े से आप ऊपरी कलर जितना भी सूखा है वो हटा लीजिए. इसके बाद आप उपटन सोक कर लीजिए. उपटन में आप ब्रेड डालिए और दूध डालिए, पेस्ट बना लीजिए. और अगर आपके पास होली का उपटन नहीं है तो जुवेना हर्बल्स का रॉयल ब्राइडल उपटन, ब्राइडल उपटन, ये दो उपटन से हमारे, ये दोनों में से कोई भी एक सोक कर लीजिए. अब सोक करके आपने इसे रख लिया, एक्सपोज्ड एरियाज, जो एरियाज आपके खुले रहे जिन पर आपने सनस्क्रीन और फाउंडेशन लगाया उस पर मैरीगोल्ड क्लेंजर अच्छे से लगा लीजिए. कॉटन गीला करके वाइप कर लीजिए. इसके लिए मैरीगोल्ड क्लेंजर को कैसे इस्तेमाल करें उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं. वो करने के बाद, क्लेंजिंग करने के बाद आप उपटन लगा लीजिए. उपटन से आपने छुड़ा लिया पूरा कलर और जितना भी बच गया आप बॉडी मसाज क्रीम जुवेना की लगा लीजिए उसके ऊपर से. और 10 मिनट आप थोड़ा उंगलियों को गीला करते हुए पूरी बॉडी पे बॉडी मसाज क्रीम मल लीजिए और नहा लीजिए. नहाकर आप पूरे बॉडी में लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर लगा लीजिए. बालों में आपके तेल लगा हुआ है, आप हेयर पैक लगा लीजिए. हेयर पैक से तुरंत ही कलर निकल जाएगा, बालों का कलर तो निकल ही जाएगा, बालों में जो भी जम जाता है कलर का रेसिड्यू वो भी निकल जाएगा. उसमें तिल, मेथी दाना, त्रिफला, जटामानसी के अलावा कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो इतना फ़ायदा दे देते हैं कि इस प्रकार के जो कलर्स हैं जो इन्फेक्शन दे सकते हैं वो भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको नहीं दे पाएंगे. ये तो होली जिस दिन आपने खेली उस दिन की रेजीम हो गई आपकी. अब अगले दिन से
जितनी भी पोस में कलर चला गया है उसका जो रेसिड्यू वहाँ पर है उसके लिए चीक्स को ब्लो करते हुए आप गोल्ड सैफ्रन क्रीम से मसाज करिए। सवेरे शाम 5-5 मिनट्स की मसाज करिए। सवेरे मैरो पैक लगा लीजिए नॉर्मल स्किन है तो, और शाम को आहा ग्लो पैक लगा लीजिए। अगर ऑयली स्किन है तो दोनों ही बार मसाज के बाद आप पहले मिंट क्लिनजर से क्लिनजिंग भी कर लीजिए मसाज के बाद भी, और दोनों बार आप मैरो पैक लगा सकते हैं। तो इस ढंग से आप 7 दिन तक मसाज कंटिन्यू रखेंगे। रात में फेयरनेस क्रीम और आर्गन ऑयल लगाएंगे। अगर ऑयली स्किन है तो सिर्फ फेयरनेस क्रीम लगाएंगे। ये आगे होली आज आपने खेली है लेकिन 7 दिन आगे तक आपको क्यों केयर करनी है। ऑल्टरनेट डेज आप ऑयल अप्लाई करके स्कैल्प में और फिर शैम्पू करेंगे। ये केयर क्यों करनी है, कलर किस तरीके से बनता है आपको नहीं पता है, वो आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है आपको नहीं पता है, मुंह से सब जगह से कलर गया है। लेकिन अब मैं तो आपको स्किन केयर और हेयर केयर ही बताऊंगी। अंदरूनी डिटॉक्स जो है वो आप कैसे करें उसके लिए आप मेरा डिटॉक्सिफिकेशन रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और उसे भी आप होली के पहले और होली के बाद अपना सकते हैं पूरी तरह से। लेकिन स्किन केयर आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि होली खेलने के बाद लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है, बाल स्कैल्प पर दाने आ जाते हैं, डैंड्रफ आ जाती है, त्वचा पर पिंपल्स नहीं है लेकिन उसके बाद पिंपल्स आ गए हैं, ओपन पोर्स हो गए हैं, उसके बाद सनबर्न्स हो गए हैं, स्किन पतली हो गई, ऐसी कई समस्याएं लेकर लोग आते हैं। इसीलिए ये समस्याओं से आपको सामना ना करना पड़े तो ये 7 दिन की रेजीम आप लगातार करिए, और अंत करिए 7 दिन के रेजीम का एंजाइमेटिक मास से। इसके लिए एंजाइमेटिक मास का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। होली खेलिए लेकिन सुरक्षित रहिए और खूब गुजिया खाइए। हैप्पी होली।